सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगाया, जिसने अपने नफ्स को गंदगियों के पीछे लगाया, जिसने अपने नफ्स को बखीली के पीछे लगा दिया, जिसने अपने नफ्स को हसद के पीछे लगा दिया, जिसने अपने नफ्स को बर्बादियों के पीछे लगा दिया, उससे जब फरिश्ता सवाल करेगा तो सवाल करते वक्त वो क्या कहेगा? हा हा लादरी, हाय अफसोस, मुझे पता ही नहीं। क्यों? मेरी रूह खराब थी, मेरा नफ्स खराब था, मेरा नफ्स बुराई करने को कहता था, मैं बुराई कर लेता था। हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपने रब के बारे में नहीं जानता, मैं अपने दीन के बारे में नहीं जानता, मैं अपने नबी के बारे में नहीं जानता। ये उस शख्स का अंजाम होगा जिसका नफ्स पाकीजा नहीं होगा, जिसके नफ्स के अंदर गंदगी होगी, उसका ये अंजाम होगा कि वो कब्र के सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएगा। और आप अंदाजा लगाए कितने प्यार से फरिश्ते उन लोगों को लेकर जाएंगे जिनका नफ्स पाक होगा।